हेलो दोस्तों, स्पोर्ट्स आर में आप सबका स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, सबसे पहले तो आपका वेलकम है। धन्यवाद कविता, और स्पोर्ट्स आर के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम स्पोर्ट्स की एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें रन मशीन कहा जाता है और जो कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान भी हैं, रह चुके हैं उसके T20 के और आपके वनडे मैचेस के। हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। जी हाँ, आपको बता दूँ कि मयंक शर्मा जी ने स्पोर्ट्स आर पर ये भविष्यवाणी की थी कि विराट कोहली के जो स्टार्स हैं वो गर्दिशों में चल रहे हैं, जिसके चलते ना सिर्फ वो टीम इंडिया को T20 की ट्रॉफी भी नहीं जिता पाएंगे और इसके साथ साथ उनके हाथ से कप्तानी भी चली जाएगी। और नतीजन इनकी जो प्रेडिक्शन है वो सच साबित हुई। अब सवाल ये उठता है कि अब विराट कोहली के हाथ से कप्तानी चली गई है और अब फिलहाल वो टेस्ट मैचेस के कप्तान हैं, और ऐसे में बतौर टेस्ट मैचेस के कप्तान में अब जो कि बाकी फॉर्मेट के कप्तान नहीं है, तो 2022 इनके लिए कैसा रहने वाला है? सबसे पहले तो हम इनकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे कि इनके स्टार्स फ्यूचर में क्या कहते हैं, बताइए। देखिए कविता जी, विराट कोहली की कुंडली जो है वो तुला लगन की है और सिंह राशि है इनकी। लगन में इनके सूर्य बुध है, आदित्य राजयोग है, तीसरे भाव में शनि है, पंचम में राहु है, छठे भाव में मंगल है और अष्टम भाव में बृहस्पति है। नवम भाव, दशम भाव खाली है, ग्यारहवें भाव में चंद्रमा केतु और बारहवें भाव में शुक्र है। देखिए, अगर कोई इनकी कुंडली पर निगाह डाले तो यहाँ ये दिखाई देगा कि इनकी कुंडली में मंगल भी शुभ नहीं है, सूर्य भी नीच के हैं, शुक्र भी नीच के हैं और गुरु अष्टम भाव में, तो ये व्यक्ति क्या तरक्की करेगा? तो इसकी कुंडली अगर एक कॉमन तरीके से देखी जाए तो यह है, लेकिन अगर यहाँ ज्योतिष में फॉर्मूला लगाया जाए तो इसकी कुंडली बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि विराट कोहली की कुंडली में विपरीत राजयोग है, दूसरा इनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग है और सूर्य बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन है, जिससे कि जो लग्नेश जो नीच के हो जाते हैं वो भी इनका नीच भंग हुआ है, तो इसलिए विराट कोहली जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़े कहना चाहिए खिलाड़ी साबित हो रहे हैं, और उनकी तुलना जो है विश्व के बड़े बड़े खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से होती है। ये उनके ग्रह है, इस पावरफुल है, रन मशीन भी इनको कहा जाता है कि रन बनाने से पीछे नहीं हटते हैं, तो ये इनके ग्रहों की खासियत है। इनकी कुंडली में शनि की स्थिति, बुध की स्थिति और राहु की स्थिति बहुत ही बलवान है, जिसके कारण विराट कोहली जो है हमेशा ही कहना चाहिए एग्रेसिव रहते हैं और विपरीत परिस्थितियों का भी डट के सामना करते हैं। देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि एक से बढ़ के एक रिकॉर्ड्स विराट कोहली के नाम पर है मयंक जी, लेकिन देखिए अगर बीते उनके पीछे के 2 सालों का अगर उठाकर देखा जाए तो कितनी बार वो सेंचुरी लगाने से चूके हैं और हमेशा कई बार अपने आउट ऑफ फॉर्म में भी नजर आए हैं, और यही वजह है कि उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए भी, और इस वजह से देखिए ट्रॉफी भी नहीं जीता पाए, और सबसे बड़ी बात है कि लोग बताते इतिहास गवाह है कि अभी तक अपनी कैप्टेंसी में विराट कोहली ICC की कोई भी ट्रॉफी नहीं जीता पाया, हाल फिलहाल में T20 की जो ट्रॉफी थी वो भी हाथ से निकल गई। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब एज अ प्लेयर टीम में विराट कोहली का कैसा रूप हम लोगों को देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा, क्या अपने ये पुराने वाले फॉर्म में नजर आएंगे रन मशीन वाले में? देखिए, इनकी कुंडली में राहु की दशा में केतु की अंतरदशा चल रही है और ये अगस्त 2021 से शुरू हुई है। जब से दशा शुरू हुई है तब से विराट कोहली का हम कहते हैं कि काफी खराब समय शुरू हो रखा है, या वो गलत फैसले ले रहे हैं, टीम को लेके कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, या बीच में जो खिलाड़ियों को लेके इनके मतभेद भी आते रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके ग्रह चाल के कारण ही बनते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के कारण हमने ये बोला था कि जो आने वाला जो वर्ल्ड कप है, यानी कि जो अभी बीता है T20 वर्ल्ड कप 2021 वाला, इसमें इनका कोई परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रह पाएगी और कहीं ना कहीं ये कप्तानी भी जाती भी नजर आ सकती है, वनडे की बोली थी हमने, तो क्योंकि T20 कप्तानी छोड़ने का ऐलान तो उन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था, लेकिन वनडे कप्तानी पे भी खतरे के संकेत थे। लेकिन इस समय अगर हम बात करें तो केतु की अंतरदशा इनको अगस्त 2022 तक रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं कप्तानी हटने के बाद इनके ऊपर से दबाव तो हटेगा, क्योंकि कप्तानी के दबाव के चलते ये उतने रन नहीं बना पा रहे थे। केतु की दशा में इंसान जो होता है, जब उसको फायदा होता है तो अचानक से होता है, जब नुकसान होता है तो अचानक से नुकसान उठाना पड़ता है, कहीं ना कहीं ट्रॉफी भी हाथ से गई और कप्तानी से भी हाथ धो बैठे, तो विवादों में भी विराट कोहली पिछले कुछ समय से रहे हैं, तो ये ग्रह चाल के कारण ये अपने कहना चाहिए ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, रन नहीं इनसे बन रहे हैं, एक दबाव महसूस कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें हैं, ये अभी इनके साथ चलेगी। लेकिन इनके जो सितारे जो मुझे अच्छे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, 2022 में फरवरी से विराट कोहली का समय जो है अच्छा शुरू हो जाएगा और एज ए बैट्समैन ये जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
चलिए आपने बता दिया कि 2022 के बाद विराट कोहली का वहीं एक गोल्डन दौर देखने को मिलेगा हम लोगों को, लेकिन बात अगर हम उनकी फ़ैन फॉलोइंग को करें, क्योंकि देखिए अब उनकी बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है और बीते 2 साल में देखिए उनकी पॉपुलैरिटी में थोड़ा ऊपर नीचे आया है, तो फ्यूचर में उनकी पॉपुलैरिटी में कितना इजाफा होने वाला है? देखिए विराट कोहली की लोकप्रियता जो है फरवरी के बाद फिर से तेजी से बढ़ जाएगी, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, ये विश्व के नंबर एक बल्लेबाजों में से एक है और ज़बरदस्त कहना चाहिए विपरीत परिस्थितियों में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे बहुत से बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जो कि जब उनकी टीम सेकंड बैटिंग करे यानी कि चेज करे और वहाँ मैच जिता दे, तो मैच विनर है विराट कोहली खासकर, और यही 2022 में आपको देखने को मिलेगा। खासकर 2022 में मैं देख रहा हूँ कि अगस्त के बाद इनके सितारे बहुत प्रबल रहेंगे, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी होना है, तो उस समय विराट कोहली के सितारे बहुत अच्छे रहेंगे, रोहित शर्मा के भी सितारे अच्छे रहेंगे, तो कुल मिलाकर ज़बरदस्त रन बनाएंगे आने वाले समय में। और वहाँ से विराट कोहली का आप देखिए ये जो दौर शुरू हो रहा है कप्तानी के बाद से, ये इनका बहुत ही अब शानदार रहेगा फरवरी 2022 से, अगस्त के बाद तो और भी अच्छा है, और तकरीबन 2.5 साल का समय विराट कोहली के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आने वाले 2.5 साल जो है बहुत ज़्यादा रन बनाएंगे और टीम जो है मतलब कि टीम को बड़े मौके पर बड़े मैच भी जितवाएंगे विराट कोहली। तो भाई जी देखिए जिस तरह से आपने बताया इसे इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले देखिए जो बीत गया सो बीत गया, अब हमारे सामने एक हमारी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रखी है और दूसरी तरफ हमारा जो 50-50 की जो ट्रॉफी है, और इन दोनों ही मैचों में देखिए हमें रोहित शर्मा की कैप्टेंसी देखने को मिलेगी और उनकी कैप्टेंसी में विराट कोहली एज ए प्लेयर टीम इंडिया में खेलेंगे। आपने कहा कि बहुत अच्छा खेलेंगे, दमदार खेलेंगे, नो डाउट, लेकिन अपने इसी खेल के बदौलत क्या कैप्टेंसी दोबारा उन्हें मिल सकती है फ्यूचर में? देखिए अभी लोग जानना चाहते हैं, हालांकि मुझे तो इसके लिए बहुत वक्त है, लेकिन क्या आपको कुछ लग रहा अभी से? देखिए ऐसा तो नहीं है क्योंकि अब T20 की कप्तानी खुद विराट कोहली ने छोड़ी थी, हाँ। बोल के कि वो बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं सह पा रहे हैं, बड़ा प्रेशर है, रन भी नहीं बन रहे हैं, 2 साल से सेंचुरी भी नहीं आई है, तो मुझे लगता है कि अब दोबारा इस तरह की कोई बात है कि जो एक बार कप्तानी गई तो रोहित के पास ही रहेगी वो। हालांकि बहुत से लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या विराट कोहली टेस्ट के कैप्टन उनसे कप्तानी बने रहेंगे या नहीं। देखिए टेस्ट के कैप्टन अभी ये बने रहे 2-2.5 साल, ऐसा भी नहीं है कि टेस्ट की कैप्टनसी जाने वाली है या टेस्ट में ये जो रन बना रहे हैं वो बनने कम हो जाएंगे, कैप्टन भी टेस्ट के बने रहेंगे, रन भी बनेंगे, और कोशिश आप ये देखेंगे आने वाले समय विराट कोहली थोड़ा बदले भी नजर आएंगे, खासकर फरवरी 2022 के बाद उनके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है और कुछ टेक्निक भी चेंज करेंगे और कुछ नए विराट कोहली आपको आने वाले समय में मतलब कि पिच पर क्रीज पर नजर आएंगे, जो कि जो विराट कोहली पहले की तरह रन बनाएगा और सेंचुरी भी ज्यादा जमाएगा। चलिए हम उम्मीद भी करते हैं कि नया साल 2022 विराट कोहली के लिए गुड लक लेकर आए और जो उनकी फॉर्म हमें देखने को मिलती है एज ए रन मशीन वो हमें 2022 और 23 के वर्ल्ड कप में नजर आए। इसी के साथ मुझे और मैं जी को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।